मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना दिवस पर रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से प्रदेश की अपनी 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में तीसरी किस्त की 1,000 की राशि का अंतरण किया एवं उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के समारोह से 1,81,000 बैगा भारिया सहरिया जनजाति बहनों को पोषण आहार के लिए उनके खाते में 18,16,00,000 की राशि अंतरित कर शुभकामनाएं दी। रीवा में आयोजित हुए समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 161,35,00,000 से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने कहा कि 30 तारीख को रक्षाबंधन है, 27 तारीख को रविवार के दिन आप सब बहने अपने गांवों और पंचायतों में इकट्ठा हों, उस दिन मैं अपनी बहनों से बात करूंगा और उपहार देने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त के अंतरण समारोह में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण कर उन्हें शुभकामनाएं दी। रीवा में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया। जन समूह ने मुख्यमंत्री जी का पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के विवेकानंद पार्क में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर आज पवित्र नगरी अमरकंटक में 75 पौधे रोपे। मुख्यमंत्री जी के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक के विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने भोपाल में स्थित IES विश्वविद्यालय में आयोजित साइबर सिक्योरिटी हैकथॉन कवच 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया एवं कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने खुड़ई विधानसभा के नगर परिषद बांदरी में संत शिरोमणि श्री रविदास जी मंदिर निर्माण समरसता यात्रा एवं भूमि पूजन समारोह में सहभागिता की एवं विकास के लिए 7,19,00,000 की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया।